हे एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल का फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो मेरे पास ये एक 3 पीस सूट में से बचा हुआ कपड़ा है, जिसकी 8 इंचेस मैंने चौड़ाई ले ली है। ये कपड़ा 4 तहों में फोल्ड हुआ हुआ है और इसकी लंबाई 12 इंचेस ले ली है। कंधे की कटिंग मैंने 4 इंचेस पे इसका निशान लगा लिया है, ऊपर से भी 4 इंचेस और नीचे से गहराई के लिए भी 4 इंचेस पे निशान लगा लिया है। गले की चौड़ाई मैंने 1.5 इंचेस ले ली है और गहराई 2 इंचेस ले ली है। ऊपर से 1.5 इंचेस निशान लगाने के बाद नीचे के 2 इंचेस के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब दोनों को गोल शेप दे लेंगे। अब चौक का जो निशान हमने लगाया है, इसके साथ साथ हम कटिंग कर देंगे। गले की भी गोल कटिंग कर देंगे और कंधे की भी गोल कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैं एक तिरछी कटिंग कर दूंगी, जो कि हमारे कंधों की है। फ्रंट के गले की कटिंग मैं फ्रंट का हिस्सा, फ्रंट की पेटी अलग करके करूँगी और बैक पे बैक की कटिंग अलग से करूँगी। बैक के गले की गहराई हम 1 इंचेस ले लेंगे और चौड़ाई फ्रंट के इक्वली लेंगे। ये अब मैंने फ्रंट का हिस्सा ले लिया है और इसको अब हम मिड से कट कर देंगे, क्योंकि मैंने फ्रंट का हिस्सा ओपन बनाना है, जहाँ पे मैं बटन पट्टी बनाऊँगी। बैक का हिस्सा भी हम ले लेंगे और फ्रंट के कंधे बैक के कंधे के साथ ऊपर से हम ज्वाइन कर देंगे। कंधे अब मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम साइड से इस तरह मैं इसको 4 तहों को दोबारा से फोल्ड कर दूंगी और इसकी फिटिंग की कटिंग कर लूंगी। ऊपर से मैं 7 इंचेस ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा खुला बनाना चाहते हैं तो आप 7 इंचेस ले लें, और अगर आप ऊपर से टाइट रखना चाहते हैं तो आप 5 इंचेस या 6 इंचेस भी चेस्ट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अब मैंने कटिंग कर ली है और अब इस तरह हम लोग इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे। और ये जो हमारा गले की गोलाई है, इसके लिए हम रेप पट्टी की कटिंग कर लेंगे और बाजुओं पे भी हम वही अटैच कर देंगे। रेप पट्टी की कटिंग मैंने कर ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 0.5 इंचेस या 1 इंचेस आप ले सकते हैं। इसको अब मैं गले पे अटैच कर दूंगी। आपने रेप पट्टी को गले के साथ साथ मोड़ना है, गले को रेप पट्टी के साथ नहीं मोड़ना। जैसे मैंने पट्टी गले पे अटैच की है, इसी तरह मैंने बाजू के आगे भी अटैच कर दी है। और अब इसको आयरन से प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी।
पट्टी अटैच करने के बाद अब ये मैंने नीचे की तरफ फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसके ऊपर मैंने टांका बड़ा करके दो सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं धागा खींच के इसकी फ्रिल तैयार कर लूँगी। लगाने से पहले मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। फ्रिल हमारी तैयार हो गई है और अब जो आपका फ्रॉक की पेटी का जितना घेरा है उसके मुताबिक आपने अपनी फ्रिल का धागा खींच लेना है। अब मैं इसको फ्रॉक के साथ अटैच कर दूंगी। अटैच करते हुए ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपने दो सिलाइयाँ लगाई हैं फ्रिल पे, उसके दरमियान में आपने सिलाई लगानी, यानी एक सिलाई आपकी बाहर की तरफ आएगी और एक सिलाई कपड़े की अंदर की तरफ जाएगी। फ्रॉक हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। नीचे की तरफ से आपने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने से पहले फ्रंट पे हमने जो बटन पट्टी बनानी है उसके लिए मैंने ये डिफरेंट कलर का कपड़ा ले लिया है और इसको अब आपने ऐसे रख के अटैच कर देना है। एक सिलाई मैंने लगा ली है, अब इस तरह रख के आप इसको प्रेस कर लेंगे और फिर इसके बाद एक ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने बटन पट्टी अटैच कर ली है। नीचे से फ्रॉक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। आपने जितनी लेंथ रखनी है आप उसके हिसाब से इसको अंदर फोल्ड कर दें। फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।